hello everyone welcome to our channel today we are going to discuss about the functionally user type of sentences okay that is four type already we discussed about part 1 and 2 that what is a sentences and part of uh, type of sentences now we are going to discuss about the functionally use the sentences that is four type of sentence now we are going to use it in part 3 okay then let's start it Okay, then this one is sentence are mainly four types. Okay, then declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentence.

से नंबर डाल दी हूं मैं ओके देन लाइ स्टार्ट इट डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है अन एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन और फीलिंग और मेक ए स्टेटमेंट और डिस्क्राइब थिंग्स ओके हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं या कोई कोई भी चीज़ के फीलिंग को दर्शाते हैं या दूसरा स्टेटमेंट जो बनाते हैं या किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इन अदर वर्ड इट डिक्लेयर समथिंग और इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं ये हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर बता रहे हैं कोई चीज़ को देन उसी को यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इंड विथ फुल स्टॉफ ओके और जिस इस तरह का सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है ख़त्म कहाँ पे होता है फुल स्टॉप में होता है देन इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आई वॉन्ट टू बी ए गुड क्रिकेटर ये क्या है हम लोग का स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है डिक्लेरेटिव में मैं डिक्लायर कर दे रही हूँ कि मैं एक गुड क्रिकेटर मुझे बनना है देन आई एम वेरी हैप्पी टू मैं आज बहुत ही खुश हूँ देन हम अपना खुशी के बारे में बता दर्मी अपना फीलिंग के बारे में हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये हम लोग का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और आप लोग ये समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका मोर एग्जाम्पल देंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और एक या दो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे देन दूसरा हम लोग का क्या है इम्पेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस व्हाट इज दिस देन वी यूज़ ए इम्पेरेटिव सेंटेंस टू मेक ए रिक्वेस्ट और गिव ए कॉमेंट ओके जब भी हम किसी को कॉमेंट देते हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें क्या यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं रिक्वेस्ट और कॉमेंट ओके किसी को ऑर्डर देना हो तभी हम लोग imperative sentence को use करते हैं किसी को अगर हम ये करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं तभी हम इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं रिक्वेस्ट और कॉमेंट में दोनों में हम लोग यूज करते हैं और ये भी क्या है नॉर्मली जो हम लोग का फुल स्टॉप में इसका भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है जब खत्म होता है तो हम लोग का फुल स्टॉप के साथ में खत्म होता है बट अंडर सर्टेन इट कैन इंड ए नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन लेकिन कभी कभी क्या होता है फुल स्टॉप के साथ साथ कभी कभी हम लोग का मार्क भी यूज करके हम लोग इसे खत्म कर सकते हैं अगर हम किसी को ऑर्डर देते हैं तब भी हम क्या है एक्सप्लेनेशन मार्क यूज कर सकते हैं वहां पे फुल स्टॉप की जगह पे ओके लेट्स सी दिस वन एग्जांपल हम देख लेते हैं आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ देन हम लोग यहाँ पे क्या है ये बता रहे हैं तो हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं देन प्लीज सिट डाउन देन हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट में हम लोग फुल स्टॉप से काम चला लेते हैं उसमें इंडिंग कर देते हैं और आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ हम जब ये करते कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं देन हम उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लेनिटोरी uh, सेंटेंस भी मार्क uh, भी यूज करते हैं देन आप लोग इसका भी एक या दो मुझे कमेंट करके जरूर इसका एग्जांपल बताएंगे देन तीन नंबर क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस मीनस हम जब भी किसी को क्वेश्चन पूछते हैं उसी को कहते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है अन इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्स ए क्वेश्चन जब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस मस्ट इंड विथ ए नोट ऑफ इंटरोगेशन इंट्रोगेशन मार्क उसमें लगता है मीन्स क्वेश्चन मार्क लगता है जब भी हम किसी को क्वेश्चन पूछते या सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क वहाँ पे देते हैं दैट इज़ ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल क्या है वेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट कब तुम अपना असाइनमेंट सबमिट करने वाली हो या करने वाले हो देन हम उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं इंड में देन डू यू नो हिम देन तुम इसे जानते हो हम तब भी हम फुल स्टॉप फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये आप हाँ लोग इसका भी एक या दो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे एग्जाम्पल देन एक्सप्लेमेटोरी सेंटेंस एक्सप्लेनिटोरी सेंटेंस क्या होता है अन एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन हम अपना इमोशन को अपना फीलिंग को जो एक्सप्रेस करते हैं उसी को हम एक्सप्लेमेटोरी सेंटेंस कहते हैं और इंड विथ क्या होता है एक्सप्लेमेटोरी मार्क लगता है अगर हम ज़्यादा खुश है ज़्यादा दुख है या फिर चौक गए हैं या फिर शौक में है या फिर गुस्सा में है देन वी हैव टू यूज़ दिस सेंटेंस एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस और इंड विथ एक्सप्लेमेटोरी मार्क ओके तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल वाट ए डे इज वास ओके देन ये भी हम लोग बोलते हैं तब भी हम उसमें एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगाते हैं देन दूसरा आई कैन नॉट लिव ही वुड डू दैट आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट देन हम लोग क्या है शॉक में या फिर सरप्राइजिंगली हम बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है देन हम लोग उसमें भी एक्सप्लेनेटोरी मार्क लगाते हैं तो आप लोग इसको भी कमेंट करके जरूर मुझे एक या दो एक्सप्लेटोरी सेंटेंस को कमेंट करके बताएंगे ओके okay, देन हम लोग का यहाँ तक ही था हम लोग का आज का ग्रामर पार्ट देन कल मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो कल मॉर्निंग में लेके कर आऊँगी मैं पार्ट ऑफ स्पीच लेके आऊँगी क्योंकि सेंटेंस हम लोग का ऑलरेडी ये खत्म हो गया है सेंटेंस का अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे मैं वो डाउट को आपको क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे मैं उसका एक डाउट क्लास एक लूँगी और उसमें आपको क्लियर डाउट आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर कर दूंगी ओके देन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर समझ भी भी ना आए तब भी मुझे बताएंगे तो मैं और एक क्लास अच्छा से लूँगी और आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करूँगी तो कल हम लोग लेके आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और दूसरा क्या है कि आप लोग अगर स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आप अगर देख रहे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लास फोर टू ले प्लस टू तक बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए स्कूल स्टूडेंट के लिए और दूसरा जो श् ये गवर्नमेंट बेस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्जामिनेशन में इसका यूजफुल है इसलिए आप लोग क्या है ज्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप लोग के फैमिली में बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं तो उन लोग को भी ये दिखाइए अगर आप लोग का फ्रेंड हैं अगर आपके फ्रेंड के बच्चे हैं तो वो लोग को भी आप लोग सेंड कीजिए ताकि वो लोग भी ये देख सकें और जान सकें क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग का जितना भी ये ग्रामर ये सब होता है बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ाते ही नहीं है और मे भी बहुत सारा ऐसे प्राइवेट स्कूल भी है जो तो इंग्लिश स्कूल होता है उसमें भी ग्रामर इतना नहीं पढ़ाते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए ये वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए क्योंकि शेयर करने का रुपया नहीं लगता है पर तो दूसरा देख के इसका फ़ायदा बहुत उठा सकते हैं बिना रुपया का तो आप लोग शेयर कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय